हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं क्रीम सिंपल तोरण लेके आई हूँ न्यू डिज़ाइन में। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्रीम की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं क्रीम सिंपल तोरण बनाने के लिए 1 इंच की दो रिंग, मैं क्रीम डबल कलर, बिग साइज बीट्स, बेल्स, लाइटर, सीजर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले 1 इंच का रिंग लिया है। ये रिंग में मैंने कॉर्ड्स अटैच किया है। फ्रेंड्स, मैंने बीच में 3.5 मीटर का 4 कॉर्ड्स अटैच किया है। ग्रीन कलर का मैंने 2 कॉर्ड्स अटैच किया है। फ्रेंड्स, ये दोनों कॉर्ड्स 3 मीटर की है। फ्रेंड्स, पहले बीच का ये 4 कॉर्ड्स में स्क्वेयर नॉट बनानी है। फ्रेंड्स, अभी एक कॉर्ड लेके ये 4 कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स, एक लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अभी दूसरा कॉर्ड लेके दूसरा लाइन में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स, दूसरा लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ऐसा ही इस साइड में भी पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स, मैंने इस साइड में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अभी बीच का ये 2 कॉर्ड्स में बड़ी साइज का बीट डालनी है। फ्रेंड्स, अभी ये वाला कॉर्ड लेके ये 4 कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन में पाइपिंग कंप्लीट किया है। ऐसा ही दूसरा कॉर्ड लेके दूसरा लाइन में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स, इधर दूसरा लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ऐसा ये साइड में भी पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स, मैंने इस साइड में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अभी बीच का 4 कॉर्ड्स में स्क्वेयर नॉट बनानी है। फ्रेंड्स, इधर ये पूरा डायमंड का डिजाइन कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, ऐसा ही इधर भी और एक डिजाइन बनानी है।
फ्रेंड्स पहले ये वाला कॉर्ड लेनी है, चार कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर दो लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई, ऐसा ये साइड में भी पाइपिंग करनी है। पहले ये वाला कॉर्ड लेके ये चार कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स दोनों साइड में पाइपिंग कंप्लीट हो गई, अभी बीच का ही दो कॉर्ड्स में बीट डालनी है। फिर से एक कॉर्ड लेके चार कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। ऊपर में बनाया है ऐसा ही, इधर भी सेम डिजाइन बनानी है। फ्रेंड्स इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई, ऐसा ही इस साइड में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इस साइड में पाइपिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स अभी चार कॉर्ड्स में स्क्वायर नॉट बनानी है। फ्रेंड्स इधर डायमंड का डिजाइन कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स मैंने दो डायमंड का डिजाइन बना के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स मैंने डायमंड का डिजाइन बना के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स ऐसा ही पूरा पट्टी में डायमंड का डिजाइन बनानी है। फ्रेंड्स आपका दरवाजा के हिसाब से जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ में ये पूरा पट्टी बनानी है। फ्रेंड्स अभी ये दो डिजाइन के बीच में इधर पत्ता का डिजाइन बनानी है। फ्रेंड्स मैंने 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड लिया है, ये कॉर्ड को मैंने डबल किया। फ्रेंड्स अभी ये दोनों ग्रीन कलर का कॉर्ड्स को छोड़ के ये बीच में इधर कॉर्ड अटैच करनी है। और एक कॉर्ड अटैच करनी है। फ्रेंड्स मैंने दो कॉर्ड्स अटैच किया है। फ्रेंड्स अभी ये चार कॉर्ड्स में नॉट बनानी है।
फ्रेंड्स और एक नॉट बनानी है। फ्रेंड्स मैंने डबल नॉट बना के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी एक कॉर्ड में एक्स्ट्रा कॉर्ड्स अटैच करनी है। फ्रेंड्स मैंने 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड लिया है, एक कॉर्ड को मैंने डबल किया। फ्रेंड्स एक कॉर्ड के नीचे कॉर्ड को रख के अटैच करनी है। फ्रेंड्स एक कॉर्ड को ऊपर और एक बार टर्न करनी है। इस साइड को कॉर्ड को भी और एक बार टर्न करनी है। फ्रेंड्स अभी एक कॉर्ड को ऊपर लेनी है। फ्रेंड्स और एक कॉर्ड अटैच करनी है। फ्रेंड्स मैंने 2 कॉर्ड्स अटैच किया है। अभी बीच का और एक कॉर्ड लेके ये सभी कॉर्ड्स को दूसरा लाइन में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ऐसा ही इस साइड में भी एक्स्ट्रा कॉर्ड्स अटैच करनी है। और एक बार टर्न करनी है कॉर्ड को। इस साइड को कॉर्ड को भी और एक बार टर्न करनी है। फ्रेंड्स मैंने दूसरा कॉर्ड अटैच करके दूसरा लाइन में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी इस साइड में स्टार्टिंग वाला कॉर्ड लेनी है। एक कॉर्ड को इस साइड में ऐसा क्रॉस में रख के ये 4 कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर मैंने पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी ए साइड में ऊपर का ए वाला कॉर्ड लेनी है। ये कॉर्ड को ए साइड में लेके ये 3 कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में 3 कॉर्ड्स को पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी इस साइड में स्टार्टिंग वाला कॉर्ड लेनी है। ये कॉर्ड को इस साइड में क्रॉस में रख के 3 कॉर्ड्स से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अभी ये साइड में ये स्टार्टिंग वाला कॉर्ड लेके ये 2 कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने 2 कॉर्ड्स को पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी ये साइड में ये स्टार्टिंग वाला कॉर्ड लेनी है। एक कॉर्ड को ये साइड में क्रॉस में रख के ये 2 कॉर्ड्स से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स अभी इस साइड का स्टार्टिंग वाला कॉर्ड लेके इस साइड में ये सिंगल कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स अभी
ये सिंगल कॉर्ड ए साइड में लेके ए साइड का सिंगल कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर ये पूरा पाइपिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स अभी ऊपर का ए वाला कॉर्ड लेनी है, ये कॉर्ड को नीचे की तरफ रख के ये सभी कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स ए साइड में पाइपिंग कंप्लीट किया है मैंने, ऐसा ही ए साइड में भी ए वाला कॉर्ड लेके ये सभी कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। पाइपिंग करके कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, अभी ये साइड का पाइपिंग किया हुआ कॉर्ड नीचे है, एक कॉर्ड को ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स अभी फिर से ऊपर का कॉर्ड लेके ये साइड में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स अभी ये नीचे का कॉर्ड को भी इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई, अभी ये साइड में फिर से ये वाला कॉर्ड लेके ये सभी कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स अभी नीचे का कॉर्ड को भी इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने पूरा 6 कॉर्ड्स को पाइपिंग किया है। फ्रेंड्स पूरा दोनों साइड में एक एक लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई, अभी दूसरा कॉर्ड लेके दूसरा लाइन में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने 4 कॉर्ड्स को पाइपिंग किया है, अभी ए साइड का ये नीचे का कॉर्ड इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने पूरा 5 कॉर्ड्स को पाइपिंग किया है। फ्रेंड्स अभी ये साइड में दूसरा लाइन का पाइपिंग कंप्लीट हो गई, अभी फिर से ये साइड में ऊपर का एक कॉर्ड लेके दूसरा लाइन में पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है, मैंने 5 कॉर्ड्स को पाइपिंग किया है, अभी ये नीचे का कॉर्ड को भी इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में पूरा 6 कॉर्ड्स को पाइपिंग किया है, अभी इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स फिर से ए साइड में फिर से ऊपर का एक कॉर्ड लेनी है, ये सभी कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने साइड में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है, पूरा मैंने 5 कॉर्ड्स को पाइपिंग करके कंप्लीट किया। फ्रेंड्स अभी फिर से ए साइड में ऊपर का कॉर्ड लेके पूरा 6 कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने ए साइड में पूरा 6 कॉर्ड्स को पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी दोनों साइड में पूरा 4-4 लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स अभी ऊपर का ये वाला कॉर्ड को कट करनी है, अभी ये नेक्स्ट कॉर्ड को लेके पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने 3 कॉर्ड्स को पाइपिंग किया है, अभी ये नीचे का कॉर्ड को भी इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मैंने पूरा चार कॉर्ड्स का पाइपिंग किया है। फ्रेंड्स अभी ए साइड में पाइपिंग कंप्लीट हो गई, अभी ए साइड में ऊपर का ए वाला कॉर्ड को कट करनी है। अभी नेक्स्ट कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में चार कॉर्ड्स का पाइपिंग किया है, अभी नीचे का कॉर्ड को भी इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने पूरा पांच कॉर्ड्स का पाइपिंग किया है। फ्रेंड्स अभी फिर से ऊपर का ये वाला कॉर्ड को कट करनी है। ये साइड में भी ये कॉर्ड को कट करनी है। अभी नेक्स्ट कॉर्ड लेके ये तीन कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। नीचे का कॉर्ड को भी इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई, अभी ए साइड में एक कॉर्ड लेके ए साइड में चार कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में चार कॉर्ड्स को पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी फिर से ऊपर का ये वाला कॉर्ड को कट करनी है, कट करके कम करनी है। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट वाला कॉर्ड लेके ये दो कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स अभी ये साइड में ये कॉर्ड लेके ये साइड में तीन कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स ये साइड में पाइपिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स फिर से ऊपर का ये वाला कॉर्ड को कट करनी है। ये साइड में भी ऊपर का कॉर्ड को कट करनी है। फ्रेंड्स अभी ऊपर का ये कॉर्ड लेके ये सिंगल कॉर्ड को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स ये साइड में एक कॉर्ड लेके ये दोनों कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने दो कॉर्ड्स को पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स ये पूरा पत्ता कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स पट्टी में ये डायमंड का डिजाइन बनानी है, उसके बाद ये पत्ता का डिजाइन बनानी है। एक पत्ता बनाने के बाद बीच में ये जगह छोड़नी है, फिर दूसरे जगह पे दूसरा पत्ता बनानी है। फ्रेंड्स पट्टी बनाने में कॉर्ड्स कम पड़ेगा तो कॉर्ड्स को अटैच करनी है। फ्रेंड्स मैंने पूरा पट्टी बना के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स मैंने अपना दरवाजे के हिसाब से पूरा 18 डायमंड का डिजाइन बना के कंप्लीट किया है और पत्ता भी बना के कंप्लीट किया। फ्रेंड्स मैंने आगे में एक पत्ता बना के कंप्लीट किया है, फिर बीच में इधर जगह छोड़ के दूसरा पत्ता इधर बनाया है, फिर इधर जगह छोड़ के तीसरा पत्ता इधर बनाया है। फ्रेंड्स ऐसा ही मैंने पूरा पट्टी में 9 पत्ता बना के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी इधर दूसरा साइड में रिंग अटैच करनी है। फ्रेंड्स 1 इंच का रिंग लेनी है, पहले बीच का कॉर्ड्स को अटैच करनी है। कॉर्ड को रिंग के अंदर डालनी है, इस साइड से निकाल के नीचे से कॉर्ड को निकालनी है, ऐसा नॉट बनानी है। फ्रेंड्स अभी कॉर्ड को नीचे करके दूसरा कॉर्ड को अटैच करनी है, सेम ऐसा ही रिंग के ऊपर डालनी है। कॉर्ड को इस साइड में लेके फिर रिंग के नीचे से कॉर्ड को लेके ये लूप में से निकालनी है, ऐसा नॉट बनानी है। फ्रेंड्स मैंने दो कॉर्ड्स को अटैच किया है। अभी तीसरा कॉर्ड अटैच करनी है। अभी इस साइड में
और एक कॉर्ड अटैच करनी है, पूरा चार कॉर्ड से अटैच करनी है। फ्रेंड्स ये चार कॉर्ड्स को कट करनी है। फ्रेंड्स साइड का ये दोनों कॉर्ड्स को भी कट करनी है। ये साइड का दोनों कॉर्ड्स को भी कट करनी है। फ्रेंड्स पहले बीच के चार कॉर्ड्स को स्टिक करनी है। फ्रेंड्स ये ऑरेंज का दोनों कॉर्ड्स को थोड़ा सा छोटा कट करनी है। इधर अंदर की तरफ स्टिक करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में भी दोनों कॉर्ड्स को स्टिक करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी ग्रीन कलर का कॉर्ड को अटैच करनी है। एक कॉर्ड को भी डायरेक्ट रिंग के अंदर डालनी है। इस साइड में से निकाल के फिर रिंग के नीचे से कॉर्ड को निकाल के ऊपर से निकालनी है। सेम ऐसे ही नॉट बनानी है। अब ये साइड में भी कॉर्ड को अटैच करनी है। फ्रेंड्स अभी ये साइड का कॉर्ड कट करके पीछे में स्टिक करनी है। फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड में कॉर्ड्स को स्टिक करके कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी अटैच किया हुआ ये वाला कॉर्ड को बराबर इधर कट करके इधर अटैच करनी है। फ्रेंड्स इस साइड का कॉर्ड को भी सेम बराबर इस जगह पे इधर अटैच करनी है। मैंने कॉर्ड को स्टिक करके कंप्लीट किया है। अभी दूसरा साइड में रिंग अटैच हो गई। फ्रेंड्स दोनों साइड में एक जैसा ही दिखेगी। फ्रेंड्स अभी ये कट किया हुआ कॉर्ड्स को पीछे की तरफ स्टिक करनी है। फ्रेंड्स ऐसा ही इस साइड में भी चार कॉर्ड्स को स्टिक करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में कॉर्ड्स को स्टिक करके कंप्लीट किया है। अब बीच का चार कॉर्ड्स को कट करनी है। इतना लेंथ में कट करनी है। फ्रेंड्स अभी एक कॉर्ड में बेल डालनी है। अभी किनारे को थोड़ा सा लाइटर से स्टिक करनी है ऐसा। सक्रास में स्टिक करनी है।
फ्रेंड्स मैंने बेल्ट डाल के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अभी एक छोटा सा कॉर्ड लेनी है, अभी चार कॉर्ड्स को एक कॉर्ड से ऐसा राउंड घुमा के पीछे की तरफ गांठ लगानी है। अब ये कॉर्ड्स को कट करके इधर स्टिक करनी है। फ्रेंड्स मैंने कॉर्ड्स को स्टिक करके कंप्लीट किया है, अभी कॉर्ड्स को थोड़ा सा खींच के टाइट करनी है। फ्रेंड्स ऐसा ये सभी पत्ते में बेल्ट डाल के कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स ये सभी डिजाइन्स में बेल्ट डाल के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स मैंने रिंग में भी फिलिंग करके कंप्लीट किया है दोनों साइड में। फ्रेंड्स सिंपल तोरण कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नया वीडियो में नया डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।